करीब पूरे वर्ल्ड ने कोई मैसेज दिया नहीं दिया, मैं उन्हें भारत का ही साथ दिए ना, उन्हें मालूम है पीओके भी नहीं कही है, तो इनको मिलना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो। आपका नाम क्या है? ललित कुमार। आप क्या कहेंगे प्रकाश जावड़ेकर के इस बयान पर? जो कर रहे मोदी सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, प्रकाश जावड़ेकर ने सही बयान दिया है इस मामले के अंदर, और ये काम होना चाहिए। जो गलतियाँ हमारी पिछली सरकारों ने की हैं उसको दोबारा दोहराया नहीं जाना चाहिए। अगर ये शर्तें ना रखी जाती, मीडिया के थ्रू पब्लिक को ही पता लगता है, और मीडिया के थ्रू ये पता लगाना जी, 1970 में जब डिमांड रखी गई कि आपको ज़मीन चाहिए, फौजी चाहिए, उन्हें पता था कि शिमला समझौते के साथ ऐसा, ये मालूम तो सब पता लग रहा है। आज मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदमी को अवेयर करके तैयार कर दिया है कि आप सोचो देशभक्ति किस चीज़ का नाम है, जो हमारी सरकारों ने गलतियाँ की हैं उसको दोबारा ना दोहराया जाए। लेकिन सरकार मोदी हो या फिर शाह हो, वो दोनों कह रहे हैं कि हमारा आंतरिक मामला, इवन एस जयशंकर प्रसाद भी चाइना गए, उन्होंने कहा कि आंतरिक बॉर्डर से कुछ नहीं, पर पीओके की बात कर रहे हैं। तो पीओके की बात इसे कर रहे हैं ना, किसी ने इसके मामले में भी कुछ कहा? इन्होंने बात करी, पूरे वर्ल्ड ने कोई मैसेज दिया नहीं दिया, उन्होंने भारत का ही साथ दिया ना, उन्हें मालूम है पीओके भी नहीं कही है, तो इनको मिलना चाहिए। आपने बात की साथ देने की, तो कश्मीर के जो हमारे वो गए हैं, क्या बोलते हैं, विदेश मंत्री चाइना भी गए, चाइना में भी उनको कह दिया गया कि नहीं ये उनका आंतरिक मामला है, यूएन में गए, ट्रंप ने कह दिया कि नहीं हम बीच बचाव नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान क्या करेगा ऐसे में? पाकिस्तान तो खाली रहेगा, ऐसे ही रहेगा, उसको तो अपनी स्थिति संभाल ले, अपने घर की स्थिति संभाल ले, अपनी महंगाई को संभाल ले, अपने आप को संभाल ले, उतने नहीं बहुत रहेगा उसके लिए। जो उसने बीज बोए उसको काटने पड़ेंगे, जो उग्रवाद उसने पैदा किया संसार में मैसेज देने के लिए, वो उसको तकलीफ अब खड़ी हो गई। अब फसल तैयार हो गई ना जी बेटा जी, अब फसल काटने का नंबर आया, तो उसको काटनी पड़ रही है अपनी काटी हुई बोई हुई फसल, उसको तकलीफ हुई है जी, इसलिए उसका साथ वर्ल्ड में कोई देने वाला नहीं है। एक तरफ पीओके की बात कर रहे प्रकाश जावड़ेकर, दूसरी तरफ अभी विपिन रावत जो सेना प्रमुख है उन्होंने कहा है कि जो बॉर्डर एरियाज पे है शायद वो तैनाती बरत रहे हैं पाकिस्तान वाले, तो क्या लग रहा है दोनों तरफ से दोनों तैयार हैं? पाकिस्तान नहीं तैयार है, पाकिस्तान सिर्फ गिदर वक्त दे रहा है। तैयारी जो हमारी है वो हमारी रहेगी, उसे मालूम है मैं टकरा नहीं सकता हिंदुस्तान के साथ, अभी मोदी जैसा तो खत्म हो जाएगा। मोदी जैसा बनने के लिए इमरान खान को 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तो उसको जिंदगी स्थिति खत्म हो जाएगा उसका। अच्छा। और तो कुछ नहीं रहेगा, अगर उसने टकराने की कोशिश की तो हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, आगे रुकेंगे नहीं। हमारे गृह मंत्री ने मैसेज दिया लोकसभा के अंदर खड़ा होकर, ये बात का सारी पब्लिक ने सुना ये बात। क्या लग रहा है आपको पीओके करने में थोड़ा सा देर कर दिया, 1-2 दिन सोमवार छूट गया? ऐसा नहीं है, अब ये समय पे, समय कैसा आएगा उस हिसाब से होगा, होगा जरूर, आज नहीं होगा, जब 70 साल इस काम को होते होते लग गए, ये 70 साल बाद हुआ काम, ये भी होगा काम, आज नहीं होगा, अगली जनरेशन देखेगी, देखेगी जरूर ये काम। क्या लग रहा है पीओके इसी सावन में होगा? सावन तो खत्म हो गया, अगले सावन पहुंचेंगे, अभी इसके लिए नहीं कहा जा सकता कुछ, ये समय पे छोड़ना पड़ेगा, कुछ बातों का जवाब समय देता है। बिल्कुल। प्रकाश जावड़ेकर ने अयोध्या की बात भी की है, राम मंदिर की बात की है, तो क्या लग रहा है पहले पीओके की पहले राम मंदिर? देखिए जी, जो काम इन्होंने मेन था उसको संभालना है, पूरी कश्मीर को संभालने के लिए मोदी जी ने 4 साल अपने पास लिए, इसलिए उन्होंने फर्स्ट टर्म में ये काम किया है, जो मुझे समझ आई है इस बात के लिए, 4 साल उन्हें संभालेंगे, इसके बाद वो राम मंदिर का फैसला तो पीछे प्रोग्राम में मोदी जी कह ही चुके हैं, जो कोर्ट का फैसला होगा, जिस दिन कोर्ट इस बात पर डिसीजन कहेगी, थोड़ी उसे तो राम मंदिर ही बोला जाता है, उसे तो राम मंदिर कहा ही जाता है, यानी कि मंदिर है वो तो कहा जा रहा है, नहीं कहा कोर्ट का फैसला आएगा वही मान्य होगा, उन्होंने कहा जो कोर्ट में फैसला आएगा उसके बाद सरकार का जो काम होगा सरकार करेगी। कोर्ट की बात की तो ये कश्मीर वाले मुद्दे पे भी कोर्ट में कल सुनवाई होने वाला है, क्या लगता है? कुछ नहीं करेगी कोर्ट इसमें, रद्द कर देगी इसमें।